अमन ने ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी इरिडा की लिस्टिंग के समय नवंबर 2023 में 1,00,000 रुपए के शेयर खरीदे थे। तब यह शेयर 60 रुपए पर था। करीब 7 महीने बाद यह शेयर 300 रुपए के पार चला गया। अमन ने इरिडा के शेयरों को बेचकर 5 गुना से ज्यादा का मुनाफा कमा लिया। बंपर मुनाफा काटने के बाद अमन ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में बड़ा निवेश कर दिया। अब वो बड़े नुकसान में चल रहे हैं। अमन समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें बेच दें या रुक जाएं। पिछले करीब 2 साल से सरकारी कंपनियों के शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी पसंदीदा रहे हैं। मोदी सरकार के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता करने से पिछले 2 साल में पीएसयू शेयरों में जोरदार तेजी दर्ज हुई थी। सरकारी खर्च बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, डिफेंस, फार्मा और केमिकल जैसे सेक्टर्स में जोरदार बूम आया। तेजी के दौर में अमन की तरह निवेशकों ने इन शेयरों में भर भर कर पैसे लगाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में शेयर बाजार में निवेश करने वालों को गुरु मंत्र दिया था। मोदी ने कहा था कि विपक्षी लोग जब सरकारी कंपनियों को गाली दें तो आप इन कंपनियों के शेयर खरीद लें, सब अच्छा ही होने वाला है। इसके बाद सरकारी यानी पीएसयू कंपनियों के शेयर सुर्खियों में आने लगे। आम चुनाव के नतीजे आने से पहले जिन शेयरों पर बाजार का सबसे ज्यादा फोकस रहा वो पीएसयू स्टॉक्स ही थे। इन शेयरों में कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग कॉरपोरेशन, हुडको, एमएमटीसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीएफसी, ओएनजीसी, आईजीएल, महानगर गैस, एसबीआई जैसी सरकारी कंपनियों के नाम शामिल थे। ब्रोकिंग फर्म्स का अनुमान था कि भाजपा फिर से मजबूती के साथ सत्ता में आई तो ये शेयर छप्पड़ फाड़ रिटर्न दे सकते हैं। इस उम्मीद में कोचिन शिपयार्ड का शेयर जनवरी से अगस्त के बीच 281% और हुडको व गार्डन रीड जैसे शेयर 143 और 169% चढ़ गए। 2024 में लोकसभा के आम चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत न मिलने के बाद निवेशकों को लगने लगा कि सरकार अब आर्थिक सुधारों को अपने मन माफिक आगे नहीं बढ़ा पाएगी। इसके बाद पीएसयू शेयरों में ऐसी बिकवाली शुरू हुई जो थमने का नाम नहीं ले रही। चीन में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आर्थिक पैकेज जारी करने के बाद से घरेलू शेयर बाजार बुरी तरह पस्त हो गए हैं। चाइनीज मार्केट में रिकॉर्ड तेजी को देखते हुए विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई भारत से पैसा निकालकर चाइनीज मार्केट में लगा रहे हैं। अक्टूबर महीने में ही एफआईआई घरेलू बाजार से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल चुके हैं। भारतीय शेयर बाजार के करीब 150 साल के इतिहास में एफआईआई की किसी एक महीने में ये सबसे बड़ी बिकवाली है। इसका नॉन पीएसयू शेयरों पर भारी दबाव देखा जा रहा है। पिछली कुछ तिमाहियों में सरकारी कंपनियों की आय में सुस्ती, ऑर्डर्स में कमी और हाई वैल्यूएशन की वजह से इनके स्टॉक्स में भारी गिरावट आई है। आंकड़ों पर गौर करें तो 64 गैर बैंकिंग सरकारी शेयरों में से 19 अपने ऑल टाइम हाई से 40 से 55% तक लुढ़क गए हैं, जबकि अन्य 28 शेयरों में 30 से 40% तक की गिरावट आई है। कुल मिलाकर 64 सरकारी कंपनियों के मार्केट कैप में 1 अगस्त से 23 अक्टूबर तक करीब 8,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 1 अगस्त को ही बीएससी पीएसयू इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुधारों में तेजी के बाद भी सरकारी कंपनियों की माली हालत सुधरती नहीं दिख रही है। एमटीएनएल, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हुडको, एमएमटीसी, KIOCL, इंजीनियर्स इंडिया, मॉयल, भारत इम्यूनोलॉजिक्स, MSTC और भारत डायनेमिक्स जैसे स्टॉक्स अपने 52 हफ्ते के हाई से 40 से 55% तक गिर चुके हैं। खुदरा निवेशकों ने ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में खूब पैसा लगाया था। NHPC, SJVN, RVNL और इरिडा स्टॉक्स खूब सुर्खियों में रहे, लेकिन 23 अक्टूबर तक के डेटा के अनुसार ये शेयर भी 52 हफ्ते के ऑल टाइम हाई से अब 32 से 35% तक नीचे कारोबार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पीएसयू शेयरों में निवेशकों को क्या करना चाहिए। रेलिगेट ब्रोकिंग के सीनियर वीपी रिसर्च डॉक्टर रवि सिंह कहते हैं कि एफआईआई की बिकवाली की वजह से पूरे मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है। इसका असर पीएसयू स्टॉक्स पर भी पड़ा है। इन शेयरों में अभी 3 से 5% तक की और गिरावट देखी जा सकती है, इसलिए मौजूदा स्तर पर खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। अगले 2-3 महीने बाद इन शेयरों में रिकवरी आ सकती है, इसलिए जिन लोगों ने पहले से निवेश कर रखा है उन्हें गिरावट के दर से बिकवाली नहीं करनी चाहिए। अगर अमन की तरह आपने पीएसयू स्टॉक्स में निवेश कर रखा है और बड़ा नुकसान हो रहा है तो घबराएं नहीं, इस निवेश को होल्ड रखें। 2-3 महीने में इन शेयरों में रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि इन शेयरों में मौजूदा स्तरों पर खरीदारी से बचना चाहिए। इन शेयरों की गिरावट अभी थमी नहीं है, इनमें अभी 5% तक की गिरावट और देखने का अनुमान लगाया जा रहा है।